एवरीवन, सो अभी 5 बज गए हैं और हमारे होटल के बगल में एक छोटा सा बीच है, इट्स कॉल्ड बासा बीच। वहाँ पे इवनिंग में कुछ खाने के छोटे छोटे स्टॉल्स हैं और बीच है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। जस्ट बगल में ये एक छोटा सा बीच है, ये तो ना यहाँ से एंट्री है। क्लोज इट। सो ये है बीच, यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं फॉर कॉफी स्नैक्स एंड ऑल, एंड ये है बीच। इट्स ब्यूटीफुल, काफी सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये है पूरा बीच और इधर छोटे छोटे स्टॉल्स हैं फॉर फूड, देखते हैं क्या है। आई थिंक यहाँ पे लोग दिसंबर जनवरी में कैंपिंग भी करते होंगे, राइट? वहाँ पे एक लोगों ने कैंप टाइप कुछ लगा रखा है। और इस बड़े से पहाड़ के पीछे हमारा होटल है। थर्टी हो गया और इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पे बैक साइड में लेट मी गो एंड चेक। बहुत सारे लोकल ओमानी फूड था जो हमें कुछ भी आइडिया नहीं आया था, तो हमने सिर्फ ये लिया है। उसने बोला ये चीज़ समोसा, आई थिंक चीज़ समोसा टाइप कुछ है, तो विल ट्राई दिस। सो हम डिनर करने आए हैं यहाँ पे एक टर्किश रेस्टोरेंट में। ब्यूटीफुल, और ये आगे पूरा यहाँ पे बोट्स हैं बहुत सारे। एक और बस आई है आई थिंक रासल खेमा से, जिसमें काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, वो मोस्टली चाइनीज़ हैं। और हम इसके लाइक फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं, सो इट्स ब्यूटीफुल। ये है हमारा व्यू एंड हमारा फूड भी आ चुका है। वी हैव सैलेड, ग्रिल्स, सम ब्रेड्स एंड दीज आर टर्किश पेस्ट्री, वन चीज पेस्ट्री एंड वन इज चिकन पेस्ट्री। सो दिस इज आवर फूड फॉर द डे, इस व्यू में, एंड दिस फूड इज अमेजिंग। वाइट कलर की, वाह। मॉर्निंग, सो ये है हमारा रिजॉर्ट और ये है यहाँ की मेन रोड। और सुबह 6:30 हो रहा है और हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। सो हम वहाँ से आए हैं और ये राइट साइड में हमारा पूरा पानी है। हम लोग गाड़ी से उधर से आए और यहाँ पे ये जो छोटा सा एरिया था बीच का, ये बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़े घर भी हैं लोकल लोगों के।
हमारा व्यू, वाओ ब्यूटी।